थौरागढ़ के चीन और नेपाल सीमा से लगे गांवों के लिए शुरू की गई सैटेलाइट फोन सेवा खासी महंगी साबित हो रही है। आलम यह है कि एक मिनट की कॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को 25 से 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगी सैटेलाइट फोन सेवा से दारमा व्यवसाय और जौहर घाटी में के ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। हालात यह है कि दारमा घाटी के ग्रामीणों ने फोन चार्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तक किया। यही नहीं, महंगी फोन सेवा होने के कारण व्यास घाटी के ग्रामीण अब फिर नेपाल की संचार सेवा से दुनिया से खुद को जोड़ रहे हैं। और इसका टॉक टाइम स्टार्टिंग हमें बताया गया जिसमें 750 रुपए का रिचार्ज किया जाएगा और 600 रुपए का एक्स्ट्रा टॉक टाइम दिया जाएगा। लेकिन बदले में क्या हुआ, जो हमने 750 रुपए का रिचार्ज किया उसे मात्र केवल 500 रुपए का हमें टॉक टाइम दिया गया, उसके बाद चला फोन बिल्कुल डेड हो गया। तो इस टाइप की सुविधा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए सर। सैटेलाइट फोन जो है बहुत महंगा में काम कर रहा है। सरकार ने कहा कि 12 रुपया में कॉल होगा लेकिन वहाँ 35 रुपया पड़ रहा है। ये सामने डिस्ट्रिक्ट से जो है वहाँ क्षेत्र में जो है ये फोन की सुविधा होनी चाहिए। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। हाँ, तो इस रेट को जो है बहुत कम करना चाहिए। और जो भी अगर मामला भी कोई होगा तो टेक्निकल है, ये SDRF ने दिया है, SDRF और भारत सरकार के बीच का मामला, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।